हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग पर बात करेंगे। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइसेस। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वीडियो किस चीज पर बनाई गई है। हमने उसमें डिस्कस किया था कि फैक्टर प्राइस लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइसेस होते हैं। फैक्टर प्राइस होते क्या है? वो फैक्टर होते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, इनपुट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज विद द एम ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेज मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था। इस वीडियो के अंदर हम ये पता लगाएंगे कि प्राइसिंग किस तरीके से की जाए। देखिए, इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हमारे फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस, उनके प्राइसेस को डिटरमिन किया जाता है। यानी वेज कितनी हो, रेंट कितना हो, प्रॉफिट कितना हो उसको एंटरप्रेन्योर को, और कैपिटल को इंटरेस्ट कितना हो, किस तरीके से डिटरमिन किए जाए उसको हम, जो तरीका है उनको प्राइसेस को डिटरमिन करने का, उस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से लैंड को उसका हिस्सा मिल रहा है, कैपिटल को उसका हिस्सा मिल रहा है, लेबर को मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है, इसका मतलब जो टोटल अमाउंट हमारे पास आया, यानी मार्केट के अंदर जब हम अपना प्रोडक्ट बेचा, उस प्रोडक्ट को बेचकर जो टोटल अमाउंट हमारे पास आया, जिसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो रेवेन्यू तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लैंड को लैंड का पोर्शन चला गया, लेबर को लेबर का पोर्शन चला गया, कैपिटल को कैपिटल का पोर्शन चला गया और एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर का कैपिटल चला गया। यानी वो रेवेन्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो रेवेन्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसलिए इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसी वजह से इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आता है कि लैंड को रेंट मिल गया, लेबर को वेज मिल गई और कैपिटल को इंटरेस्ट मिल गया, इंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है? देखिए, इंटरप्रेन्योर को पूरा अमाउंट मिला और उसने ये सारी चीजें लैंड, लेबर, कैपिटल को दे दी। जो उसके पास बचेगा वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट होगा और वो इंटरप्रेन्योर का पोर्शन या उसका पार्ट होता है। तो यानी अब जो हमारी रेवेन्यू है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो एंड में बचा है वो ओनर का अपना होता है, यानी एंटरप्रेन्योर का अपना होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी होती है जिसके जरिए हम ये पता लगाएं कि किस चीज के कितने प्राइस सेट किए जाए। चैपमैन इकोनॉमिक्स थे, चैपमैन वो क्या कहते थे, द इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट्स ऑफ द शेयरिंग ऑफ द वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय द कम्युनिटी अमंग द एजेंट्स और द ओनर्स ऑफ द एजेंट्स विच हैव बीन एक्टिव इन इट्स प्रोडक्शन। वो कहते हैं कि जो हमारी थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने इसको कहा, वो क्या करती है, वो वेल्थ जो प्रोडक्ट को बनाकर, जिसमें ये फैक्टर्स इंक्लूड थे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उससे जो इनकम हुई उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी तरीके से सेलिगमैन थे, सेलिगमैन उन्होंने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी, वो कहते थे ऑल वेल्थ दैट इज क्रिएटेड इन द सोसाइटी फाइंड इट्स वे टू द फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू सर्टेन चैनल्स और सोर्सेज ऑफ इनकम। वो ये कहते हैं कि वेल्थ जितनी भी प्रोड्यूस की जाती है,
जितना भी पैसा आता है सोसाइटी के अंदर वो एक चैनल होता है, एक रास्ता होता है, एक सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जिसके जरिए वो सारा का सारा पैसा अपनी जगह पहुंच जाता है, यानी लैंड को, लेबर को, कैपिटल को और एंटरप्रेन्योर को। इसी से तो पूरी इकोनॉमी चलती है हमारी। हमारी जो पूरी इकोनॉमी चलती है वो इसी तरीके से चलती है। हम काम करते हैं, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से वो पैसा आता है, उस पैसे से हमें इनकम होती है, उस इनकम से फिर हम खरीदते हैं। तो बेसिकली जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो रेवेन्यू टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वही लोगों की इनकम है और उसी से फिर वो फर्दर परचेजिंग करते हैं, और जो परचेजिंग करते हैं वो पैसा फिर जाता है और फिर इन्वेस्ट हो जाता है, और इसी तरीके से सिस्टम काम करता है। ठीक है। अच्छा, अब जितना अब तक मैंने डिस्कशन किया है इसको अगर हम शॉर्ट वर्ड में एक छोटी सी लाइन में कहें तो हम क्या कहेंगे, फैक्टर प्राइसिंग स्टडीज हाउ रेंट ऑफ लैंड, वेज ऑफ लेबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर इज डिटरमिंड। यानी शॉर्ट एक लाइन में आप कह लीजिए कि लैंड का रेंट या लेबर की वेज या कैपिटल का इंटरेस्ट या एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट किस तरीके से डिटरमिन किया जाए, इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग या थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहां पर अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के एस्पेक्ट्स होते हैं, ये दो तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, जिसके अंदर इनकम डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल्स, और वहां डिफरेंसेस होते हैं, रिच को ज्यादा जा रहा है, पुअर को कम जा रहा है। यानी एक सिस्टम जिसके जरिए सिर्फ इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंडिविजुअल्स में, जिसमें के जाहिर है डिस्ट्रीब्यूशन में काफी डिफरेंसेस होते हैं, उसको हम कहते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है जिसके जरिए हम पूरी इकोनॉमी में ये पता लगाते हैं कि किसको कितनी इनकम मिल रही है, किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है उसको हम कहते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, डील्स विद द अमाउंट ऑफ इनकम रिलेटिव टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये माइक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है जो डील करता है इनकम को, एक अमाउंट को रिलेटिव टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जिस फैक्टर ने काम किया है उसको कितना पैसा मिले ये पता कर, इसीलिए इसको फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, इसको फंक्शनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक फंक्शन होता है, उस फंक्शंस के जरिए उनको एक उनका पार्ट या उनका उनको इनकम मिलती है। ठीक है। अच्छा, यानी किसको कितना मिलना है, रेंट कितना, एक पीस पर रेंट कितना होगा, लैंड के इस पीस पर कितना होगा, कितना मशीन पर कितना इंटरेस्ट होगा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहां तक ये बात होती है। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि हमने पहले भी तो डिटरमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस को स्टडी किया था, यानी अगर आप पीछे कुछ वीडियोस देखें तो उसमें आप देखिएगा हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट को स्टडी किया है, डिमांड और सप्लाई को स्टडी किया है। उसमें हम क्या करते थे, तो देखिए ये हमारा डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और वो पॉइंट जहां पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, और इसी पॉइंट से हम प्राइस डिटरमिन करते हैं और क्वांटिटी। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि ओक्यू क्वांटिटी ओपी प्राइस पर बेची जा रही है, यानी प्रोडक्ट के केस में हम इस मॉडल के जरिए
पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से प्राइस को डिटरमिन किया जाता है। अब अगर आप बात करिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी डिमांड होती है और सप्लाई होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कौन करते हैं? एंटरप्रेन्योर जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। सप्लाई कौन करते हैं? लेबर है या वो लोग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेल कर रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह है। ठीक है, तो यहां भी डिमांड एंड सप्लाई है और प्रोडक्ट के केस में भी डिमांड एंड सप्लाई थी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को, यानी फैक्टर प्राइसिंग को इसी मॉडल के जरिए हम डिटरमिन कर सके, यानी फैक्टर्स प्राइस को इसी मॉडल के जरिए डिटरमिन कर सके? तो क्या रीजन है कि हमें एक सेपरेट थ्योरी की जरूरत पड़ रही है? ठीक है, तो देखिए उसमें कुछ रीजन है, कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये सेपरेट थ्योरी को स्टडी करते हैं। आप जाके पढ़िएगा, कहीं आप नेट पे जाकर देखिए, अल्फ्रेड मार्शल ने भी इसको बाकायदा कहा है कि इसके लिए एक सेपरेट थ्योरी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटीज एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरेंट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की और प्रोडक्ट की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं। इस वजह से हमें इसके लिए एक सेपरेट थ्योरी चाहिए। ठीक है, क्या क्या रीजन है? देखिए पहला रीजन जो है जिसकी वजह से हमें सेपरेट थ्योरी चाहिए वो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। इन द प्रोडक्ट मार्केट द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमिन्ड बाय द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए अगेन आप इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन को याद कीजिए, इस तरीके की फिगर हमने स्टडी की थी। ये हमारा मार्जिनल, सॉरी ये हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया और ये हमारा एवरेज कॉस्ट हो गई और ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई। तो ये पॉइंट होता था हमारा जिससे हम एक लाइन खींचते थे और उससे हम एवरेज से प्राइस निकालते थे और इससे कॉस्ट निकालते थे। ये सिस्टम था, मैंने ऐसी रफली बनाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यानी हमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए जिससे हम प्रोडक्ट के प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, फैक्टर्स की सप्लाई के अंदर, यानी फैक्टर मार्केट के अंदर अगर आप बात करें, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। बड़ा डिफिकल्ट है कि आप जो है वो प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट को किस तरीके से एसर्टेन कर सकते हैं। अब लैंड की मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे? भाई मार्जिनल कॉस्ट निकलती है कि जितना प्रोडक्ट कॉस्ट आई है, एक प्रोडक्ट और बनाया तो इतनी कॉस्ट आ गई, उस पर वो मार्जिनल कॉस्ट हो गई। लैंड तो आपने एक बार लेकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब लैंड की किस तरीके से आप मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे? इसी तरीके से कैपिटल है, मशीनरी आपने लगाई और प्रोडक्शन शुरू कर दिया, अब उस मशीन की मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे? इस वजह से इकोनॉमिस्ट ने कहा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें एक सेपरेट थ्योरी चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो सप्लाई है प्रोडक्ट की, दैट इज रेडिली एडजस्टेबल। रेडिली एडजस्टेबल का से मेरा मकसद है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो आप सप्लाई बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, डिमांड घट रही है तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट को, सप्लाई को घटा देंगे। यानी आप मार्केट के हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं सप्लाई को, लेकिन इसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इसकी सप्लाई आप डिमांड के हिसाब से बड़ा घटा नहीं सकते हैं। भले किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई अगर, तो एकदम से आप एक लैंड तो दूसरी नहीं खरीद लेंगे, मशीनें तो नहीं खरीद लेंगे। तो यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के केस में हमारी सप्लाई एडजस्टेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज, डायरेक्ट डिमांड नहीं होती। प्रोडक्ट के केस में डायरेक्ट डिमांड होती है, आपने एकदम डिमांड कर दी, ये पेन आपको चाहिए, दिस इज अ डायरेक्ट डिमांड, यू कैन परचेज दिस पेन डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट।
This is the direct demand. But in the case of factors of production, the demand is derived from the product to the factors of production. मैंने अगर मुझे ये पेन चाहिए, मुझे पेन खरीदना है, मार्केट में इस पेन की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, तो इस पेन को बनाने के लिए मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करनी होगी. यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड है, इट इज ड्राइव फ्रॉम द डिमांड ऑफ दिस पेन. इसीलिए कहा जाता है इट इज नॉट ए डायरेक्ट डिमांड, इट इज ए ड्राइव्ड डिमांड. चौथी चीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम जॉइंटली डिमांड करते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जॉइंटली डिमांड करते हैं. प्रोडक्ट तो आप इंडिविजुअली सिंगल प्रोडक्ट को डिमांड कर सकते हैं, ये सिर्फ ये पेन चाहिए, यही कंपनी जो ये पेन बना रही है बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही होगी, लेकिन मुझे यही चाहिए, मुझे मिल जाएगा. लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के केस में ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे ये पेन बनाना है मैं सिर्फ लेबर डिमांड कर लूं, मुझे ये पेन बनाना है मैं सिर्फ लैंड डिमांड कर लूं, या कैपिटल डिमांड कर लूं, या मैं एंटरप्रेन्योर हूं बस मैं आ गया खाली और ये पेन बना लूंगा. नहीं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के केस में जो डिमांड होती है वो ज्वाइंट होती है. अब इस पेन को बनाने के लिए मुझे लेबर भी डिमांड करनी होगी, कैपिटल भी डिमांड करना होगा, लैंड भी डिमांड करनी होगी, और एंटरप्रेन्योर में हूं, यानी तीनों लैंड लेबर कैपिटल मुझे डिमांड करना होगा. एज ए एंटरप्रेन्योर मैं काम करूंगा तब ये पेन जाकर बनेगा. इसीलिए इसको कहा जाता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड जॉइंट डिमांड होती है. ठीक है, पांचवा पॉइंट है एक ह्यूमन फैक्टर. प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कोई ह्यूमन फैक्टर नहीं होता. आप जाइए प्रोडक्ट को सप्लाई कीजिए, खरीदिए, बेचिए, कुछ कीजिए, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड होता है. एंड दिस ह्यूमन फैक्टर इज नॉट ओनली इफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर्स बट सम नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो. भाई दिमाग है ना फैक्टर उसमें, अब लेबर है, लेबर के पास तो दिमाग भी है ना, एंटरप्रेन्योर है, दिमाग भी है ना उसके पास, तो खाली मशीन की तरह आप उसको एक जगह लगाकर तो काम नहीं ले सकते. वो दिमाग है, काम कर रहा है नहीं कर रहा, कितनी एबिलिटी है कितनी नहीं है. तो इसलिए हमें एक सेपरेट थ्योरी चाहिए थी फैक्टर प्राइसिंग के लिए. ठीक है, तो ये जितने फैक्टर्स हैं, जितने हमने पॉइंट डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट पांचों ये बताते हैं कि सेम थ्योरी जो हमने प्रोडक्ट के लिए पढ़ी थी डिमांड एंड सप्लाई, वो सेम थ्योरी यहां एप्लीकेबल नहीं है. हमें एक सेपरेट थ्योरी चाहिए जिससे कि हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें या फैक्टर्स के प्राइस को डिटरमिन कर सकें. ठीक है, अच्छा अब एक और सवाल आता है कि आखिर जरूरत ही क्यों है, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग या थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमें जरूरत ही क्यों है. तो देखिए यहां कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं. जैसे एक पहले है कि हमारी कंट्री के अंदर, मेरी कंट्री कह लीजिए, आपकी कंट्री कह लीजिए, हमारी कंट्री में इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कैसा है, किस लेवल पर एम्प्लॉयमेंट है हमारी रिसोर्सेस का, ये अगर हमें पता करना है तो हमें इस थ्योरी के जरिए ही पता करना होता है. सारे मैक्रो लेवल पर हमें पता करना होता है कि कंट्री में हम जब पॉलिसी बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से एम्प्लॉयड है, तो हम कैसे पता करेंगे, उसमें हमें थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन या थ्योरी ऑफ प्राइस फैक्टर प्राइसिंग चाहिए होती है. सेकेंडली, हमारी रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं. लेबर सिर्फ ये पेन ही थोड़ी बनाएगी, कैमरा भी बनाएगी, हाँ पिक्चर्स भी बनाएगी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी बनाएगी, घर भी बनाएगी, बहुत सारे काम करती है लेबर. तो क्या लेबर कैसे काम करेगी, किधर करेगी, किस रिसोर्सेस को कहां यूटिलाइज करना है, ये भी हमें इस थ्योरी के जरिए ही स्टडी करना होता है. सेकेंडली, थर्डली, क्योंकि हमारे पास इन थ्योरी के जरिए डेटा होता है और इस डेटा से हम ये ट्रेंड निकालकर ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्टिमम लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस का होता है, यानी रिसोर्सेस को किस तरीके से हम ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें इस थ्योरी की जरूरत होती है. चौथी चीज ये होती है शेयर ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द नेशनल इनकम, यानी हमारी जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें किस फैक्टर का कितना डिस्ट्रीब्यूशन या शेयर है हमारी नेशनल इनकम में, टोटल नेशनल इनकम है हमारी.
ठीक है, ये दिमाग में रखिए कि हमारी टोटल जो इनकम होती है वो चार जगह डिवाइड हो जाती है, यानी रेंट, कैपिटल, वेज एंड प्रॉफिट। अब वो हमारी पूरी नेशनल इनकम के अंदर लेबर का शेयर कितना है, लैंड का शेयर कितना है, कैपिटल का शेयर कितना है और एंटरप्रेन्योर का शेयर कितना है। जाहिर एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट होता है वो जाहिर उसको फिर यूटिलाइज करता है आगे। तो किस फैक्टर का कितना शेयर है ये पता लगाने के लिए भी हमें थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हेल्प लेनी होती है। तो ये वीडियो हम यहीं छोड़ते हैं, आगे जब इसकी हम थ्योरीज हैं वो आगे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वरना क्योंकि वो सेपरेट थ्योरी, अब अगर हम एक थ्योरी लेंगे और फिर पूरी इसमें डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही छोड़ते हैं, अगली वीडियो में हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ठीक है, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और भी इसकी थ्योरीज हैं उसको हम आगे वीडियोज में डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, दिस इज ऑल फॉर नाउ। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव मी सम ऑफ योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन योर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।